हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आप पीछे भीड़ देख सकते हैं ना मेरी, ये भीड़ लगी पड़ी है जो एल्युमिनियम और पित्तल से मूर्ति बनाने आते हैं ना उनकी। और मम्मी ने भी एक मूर्ति बनवाई है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि कौन सी बनाई थी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। चले चलो, वो देखो इतनी भीड़ लगी पड़ी है, और ये भीड़ मूर्ति बनवाने के लिए लगी पड़ी है। किसी भगवान की मूर्ति बना सकते हो, इनके पास बहुत सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, मतलब खांचे उसके हिसाब से। तो गाइस, इस टाइम पे जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये हथौड़े से जिस एल्युमिनियम के बर्तन को क्लीन कर रहे हैं, ये बर्तन हमारे हैं, मम्मी लेकर आई है। जैसे कि वेस्ट आपके घर में भी एल्युमिनियम के कई बर्तन पड़े होंगे जो यूज़ में नहीं होते होंगे, उसी तरीके से हमारे घर में ही पड़े थे, तो मम्मी लेकर आई है। और इससे इतनी अच्छी चीज़ बनने जा रही है ना इस टाइम पर कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो देखो, जैसे कि पहले इन्होंने ना एक शेरा माता की मूर्ति ली है, उसको एक मोल्डिंग वाली मिट्टी कहते हैं शायद से, इसमें डाल के इसका एक अच्छा सा खांचा तैयार करेंगे। और खांचा तैयार करने के बाद ना, इस पे जो हमारा एल्युमिनियम था उसको पहले मेल्ट हो रहा है, जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हो आग के ऊपर ना, इसको मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसी से मूर्ति बनेगी। आप देखते रहो, वीडियो में बने रहना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ ना हमने बचपन में देखी है, आपने भी देखी होगी बचपन में, क्योंकि आज के लिए चीज़ देखने को मिलते ही नहीं है, ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है इस टाइम पर। और दिल्ली में तो भाई बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा आपको। मैंने इनसे बात भी करी थी भैया से, तो भैया खुद कह रहे थे कि कहीं भी, बहुत पहले जब हम कहीं पे रहते थे और अपना कैंप लगाते थे ऑलमोस्ट, क्योंकि कैंप भी कहते कि हम कहीं पे भी रहेंगे तो हमारा तो रैन बसेरा टाइप का हो गया, तो वहाँ पे रहते थे और कम से कम 7-8 दिन ये एक जगह पे स्टे करते थे, इतना काम होता था इनके पास। और आज के टाइम पे खुद कह रहे कि हमारा काम 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि काम ही नहीं है। हर कोई बनी बनाई चीज़ें लेना पसंद करता है, कोई ऐसी चीज़ें बर्तन होते ही नहीं किसी के पास जिससे बनवाए। और देखिए, इनके पास ना आप तीनों चीज़ों से बनवा सकते हैं, एल्युमिनियम से और पित्तल से और स्टील से। एल्युमिनियम और पित्तल को तो मेल्ट करके बना के देंगे आपको मूर्ति, जितना आपका एल्युमिनियम या पित्तल होगा। और स्टील के बदले ना आपको वेट करेंगे कि आपका स्टील कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक मूर्ति दे देंगे। हो सकता है कुछ चार्ज भी ले अगर आपका स्टील कम हो तो, अदरवाइज़ बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। आप देखो, पहले इन्होंने अच्छे तरीके से इसका खांचे में तैयार कर लिया है, बस हो ही चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद जो ना हमारा मेल्ट हुआ हुआ एल्युमिनियम है ना, ये उसको डालेंगे। तो आप देखते रहो, ऐसे लगता है जैसे कि मिरेकल की तरह रेडी हो गई चीज़, बाहर निकलेगी एकदम से। और इनसे मैंने बात करी थी, भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई कि ये काम सीखने में ना इनको कम से कम 6 से 7 साल लगे थे। इन्होंने बहुत बिगाड़ा अपने पापा का काम, ये भैया ही बता रहे थे कि मैंने बहुत बचपन में बहुत गलतियाँ करी, कभी मूर्ति की टांगें टूट जाती थी, कभी हाथ टूट जाता था, बट हाँ प्रैक्टिस चाहिए होती है, जैसे आप हर चीज़ को जानते हो, बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं होता। देखो, दो जने थे ये, एक भैया तो सिर्फ अपना ये आग जलाने में लगे पड़े थे, और दूसरे भैया भाई बहुत काम कर रहे थे, मतलब जितना भी सामान आ रहा था उसे अच्छे तरीके से पहले तो साफ करके, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक था ना वो नहीं जलाना चाहते, कहते कि एल्युमिनियम में फिर वो चिपकने लग जाता है। तो चलो देखो, आपको दिखाता हूँ आगे क्या करते हैं भैया। तो देखो, एल्युमिनियम ना बिल्कुल मेल्ट होकर लावा बन चुका है, और ये वेस्ट था जो निकाल दिया इन्होंने, बस अब रेडी है और फाइनल काम स्टार्ट होने वाला है। तो बस गौर से देखते रहो, वीडियो पे से नज़र मत हटाना, क्योंकि इसी के अंदर पूरी वीडियो का सस्पेंस है। ये देखो, ये लावा गया मिट्टी के अंदर, और अब होने वाला है एक तगड़ा वाला मिरेकल। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, अभी आप खुद अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाओगे। देखो, शेरा माता की मूर्ति ना उन्हें बाहर निकाल के रखी हुई है, आप सोचो वही मूर्ति अंदर है। और बस 1, 2, 3 इन्होंने ये निकाला और थोड़ा सा पानी डाला इस पर, और फाइनली रिजल्ट देख सकते हो आपके सामने। टन टन, शेरा माता की मूर्ति रेडी हो चुकी है, और बिल्कुल देख सकते हो सिमिलर सेम है जो इनका, मतलब खांचा तैयार करने का तरीका था ना वो ऑसम है, बिल्कुल सेम टू सेम निकाली इन्होंने मूर्ति। बस वो गोल्ड में थी, क्योंकि वो इनकी पित्तल की होगी शायद से, और हमारी ये सिल्वर में लग रही, चांदी जैसी, चांदी की है ना क्योंकि हमारी ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आई है इसमें। बस जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ये काट देंगे,
और उसके बाद इसे फिर हमें दे देंगी। तो जब ये बन जाती है ना, उसके बाद इस पर थोड़ा सा फाइनल टच भी देते हैं, आई थिंक पेंट करते हैं, जो इनके पास सिल्वर कलर का पेंट होता है। इस टाइम पे तो बहुत गर्म होते हैं इसलिए हाथ नहीं ला सकते। अभी पेंट करेंगे ना तब मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारी शेरा माता की मूर्ति बन के बिल्कुल रेडी है। जो तुम्हारी चमक रही सबसे पहले, तुम चिंता मत करो, छोटती नहीं है फिर वो तो भैया इस पे पेंट कर रहे हैं सिल्वर कलर का, और उसके बाद और भी ज्यादा शाइनफुल हो गई थी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना। हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे आखिरी से जी जाएंगे, हमारे तो दोनों भरी जाएंगे इसके लिए।